हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम से दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो आज का ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा मैं जो है हटके बनाने वाला हूँ, क्योंकि डिम्पल जो है उसका मन कर रहा है हाईवे पे घूमने का। तो उसने मुझे कल ही बोल दिया था कि यार चल थोड़ा चक्कर शक्कर मारने चलते हैं। उसकी फ्रेंड भी है जो कि ब्लॉग में नहीं आएगी, बिकॉज उसको पसंद नहीं है ब्लॉग में, तो हम उसको लाएंगे भी नहीं। अब ये डिम्पल जो है वो रेडी हो रही है, वो भी रेडी हो रही है, वो मैं दिखा नहीं सकता, सॉरी। तो मैं जो है रेडी हो गया हूँ, आप देख रहे हो, अपने वस्त्र मैंने पहन लिए हैं, और मैंने अभी खाना जो है वो नहीं खाया हुआ, क्योंकि आजकल जो हमारी डिम्पल है इसको इंसोमनिया हो गया हुआ है, और ये रात को पूरी चिड़ेल बन के ऐसे करके बैठी होती है, ऐसे करके नींद नहीं आ रही, अलग ही रूप में चले जाती है। फिर इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, इसको थोड़ा सा हौसला देता हूँ, पॉजिटिविटी देता हूँ, फिर ये मेरे से बात करते करते सो जाती है, पता नहीं चलता कब सो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं अभी पहले खाना खा लेता हूँ, फिर हम निकलते हैं। तो दोस्तों, ये आज की हमारी सब्जी है, इसको हम बोलते हैं पालक और आलू। होगी ये गरम रोटी रखने वाला डब्बा, इसको इनको इग्नोर कर देना कि मैं कितने फुलके ले रहा हूँ, ठीक है। 47 की ये आ गई अपनी। अभी जो मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर है ना, जो मेरे बड़े ही दिल के टुकड़े हैं, उनके लिए ग्राही है, गरम गरम आप खा सकते हो। तो सोचो आपने ही खा ली, आपकी तरफ से मैं खा लेता हूँ। सुपर्ब, गुड जॉब डिंपल, लगी रहा मेकअप पे अपने। ओ ये कौन है? ओ माय गॉड, उसने की परी, पापा की परी। साली वैन अनडाउटली तू कितनी सुंदर लग रही है व्लॉग में। हाँ आई नो, फिर हाँ गाइस, अभी ऐसे स्माइलिंग फेस में आ रही, पर जब मैं कट कर दूंगा ना तो ये बोलेगी मेरे सीन नहीं पाए हैं, मेरे सीन कटे हैं। चलो खाना खत्म करते हैं, फिर घर से निकलते हैं, ठीक है। और सोनाली की फर्स्ट राइड है, क्योंकि ये स्कूटी उसने नहीं ली हुई है, नंबर नहीं आपको बताऊंगा मैं, सॉरी। और ये चाहती है थोड़ा वो करना, हाईवे पे थोड़ी राइड करना चाहती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं साथ में, थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज भी कीजिए ना आप, ऐसे हंसे ही जा। हाँ यस, चलो गाइस मिलते हैं आपको। अब मैं अपने खाना खत्म कर लूं, दो फुलके जो मैंने डाले हुए हैं, 2x2। चल झूठा, ऑल डन, अभी कर रहे हैं तैयारी निकलने की। तो जो अपनी गर्ल्स हैं वो थोड़ी सेल्फीज वगैरह ले रही हैं, और ये सोनाली ने हमारे लिए आज लाया गरगल का अचार, ये देखो, जो कि बड़ा ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू सोनाली, डिंपल, थैंक यू सोनाली, कौन सोनाली की मम्मी को, थैंक यू सोनाली की मॉम को। ऑल सेट, ठीक है, यहाँ पे तैयारी अपनी फुल हो गई है। चलो निकलते हैं फिर, ठीक है। अभी सफर थोड़ा सा ही हुआ और बैंड बच चुकी है यहाँ पे डिंपल की, मेरी कौन बैंड बच, अच्छा तो खुद ही बोल रही है मेरे बालों की बैंड बच गई है, इसके बाल देखो पीछे ऐसे। और सोनाली जो है फर्स्ट टाइम हाईवे पे चला रही है, तो इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा ही है। वैसे डर, टीचर शुभम बना हुआ, मुझे डर लग रहा है बड़ा, ये जो लहरा रही है ना रोड पे, इस साइड जा रही है, तो काफी ज्यादा स्केरी है, क्योंकि मैं इतनी आस्था आता नहीं, पहली बार ही आया मैं इतनी स्लो। और मैडम लगा रही है अपनी स्कूटी, अभी चलते हैं हम आगे नगरोटा चंडी माता जी के मंदिर, यहाँ पे माथा वगैरह टेकेंगे, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अभी धूप में शायद क्या पता आपको दिखाई दे रहा है मंदिर या नहीं, पर ये देखो दिख गया ना, बड़ा सही मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठने का। धूप लगी हुई है और हम धूप सेक रहे हैं, आराम से सनबाथ ले रहे हैं। क्यों सनबाथ? मज़ा आ रहा है, ये है ना सुबह से।
और यहाँ पे आपको दिखाते हैं सब्जी, ये देखो गाइस, ये है पालक और ये शायद कोई साग है। ये कोई साग है, आप खुद ही गेस कर लो कौन सा। ये भी पालक है। और ये देखो सामने हाईवे है और उसके बिल्कुल सामने मंदिर है। तो वो क्या फॉरेस्ट वाली बनी हुई है, अमूली है। ये क्या है बेचारा, हेलो। चलो अब यहाँ से आगे निकलते हैं। आ चुके हैं हम टनल के अंदर। और देखो यहाँ पे, यहाँ का आवाज सुनो कितनी स्केरी है, कितना डर लग रहा है हमें। पर डिंपल बेचारी हेलमेट उतार नहीं रही अपनी, तेरी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। बड़ी स्केरी आवाज है, आप सुनो देखो, अभी ट्रक आएगा आवाज सुनना उसकी। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मैड ग्लैड में, अभी हम जाएंगे मैड ग्लैड के अंदर। रास्ते में जो मिल गया हम वहीं पे घुस गए, कोई हमारा प्लान नहीं था कि यहाँ पे आना, हम तो घूमने के लिए निकले थे, पर हमारा प्लान बन गया कि यहाँ पे है रास्ते में तो रुक जाते हैं। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं अंदर। Here we are in Mad Glad. तो धूप अच्छी खासी लग रही है, मेरा फेस भी नहीं आ रहा बीच में, लेकिन हम जो है पहुंच गए हैं। सीट चेंज कर लेते हैं ना। ठीक है, चलो सीट ठीक है, अभी देखते हैं क्या सीन बनता है आगे, मेन्यू देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो आपने क्या ऑर्डर किया खाने के लिए? अच्छा, और यार यहाँ का एम्बियंस है। आया था यहाँ पे डीजे पे डांस करने के लिए, पर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। डीजे वो कह रहे हैं बजना ही नहीं, 6 बजे के बाद बजना। अभी अपना मायूस भरा चेहरा लेके मैं यहाँ से कुछ खा के और आगे निकलता हूँ। लेकिन ठीक है यार, चिल वगैरह करना हो तो जगह सही है, पर मेरे को ऐसी जगह थोड़ी कम ही पसंद आती है। तो वैसे हमने यहाँ पे अपनी सीट जो है वो चेंज कर दी है, बाहर इतनी गंदी दूर थी ना, जो सीट अरेंजमेंट है वो चेंज कर लिया। यहाँ पे डीजे वगैरह तो बज ही नहीं रहा, देखते हैं। अभी तक का तो एक्सपीरियंस ठीक है, पर धूप जो है ना खतरनाक वाली धूप, बड़ी गंदी धूप है यार आज। गाइस हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है, बाहर बड़ी गर्मी है सर। यहाँ पे हमारी सोनाली जी अभी पिज्जा खाएंगे ये भर भर के। गैस अभी आपको डिंपल ग्लास से स्मेल करके दिखाएगी, ये काफी ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। करना टेस्ट, एक मिनट स्मेल करना, एक मिनट कर तू, कोई नहीं मैं खुद जो है मैं आपको बता, जो है 2 सेकंड के लिए वो कोमा में चला गया था। इस ग्लास में इतनी स्मेल है, इतनी स्मेल है, मतलब पानी पीना जो है वो नामुमकिन है इस स्मेल की वजह से। स्मेल होने के कारण जो है हमने गिलास वापस भेज दिए हैं कोमा में बचाने वाले, और डिंपल यहाँ पे आ करके शुरू हो गई है। डिंपल से बड़ी बोतल है, मुझे ये म्यूजिक समझ नहीं आ रहा कौन सा है, म्यूजिक मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कौन सा चल रहा है। चलो समझ में तो आ रहा है लेकिन मेरा टेस्ट नहीं है, मुझे चाहिए यहाँ पे थोड़ा टोल चाहिए वगैरह, इसको शरारा वाला गाना चाहिए। चलो इसके बाद हम जा रहे हैं चाय सुट्टा बार, चाय पीने और सुट्टा नहीं मारने। अभी हम एक स्पेशल स्पॉट पे आ गया बैठने के लिए, मज़ा आ गया यार यहाँ पे, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है नहीं।
और ये देखो मैं आपको जगह दिखाता हूँ, बैक कैमरे पे दिखाता हूँ। मजा आ रहा है नहीं? यहाँ पे नींद आ रही है, सो जा और चिल करने के लिए बेस्ट जगह सारे यार दोस्त में ना हुक्का रखा हो एक मजा आ जाए यार। सारा डिप्रेशन उतर जाएगा। इसके बाद हम चाय सुट्टा बार जाने वाले हैं, उसके लिए भी बने रहना साथ में, ठीक है? भी हमारा खत्म नहीं होने वाला ये राइड, तो अभी हम अपना थोड़ा चिल करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो ये माहौल ऐसा बन गया कि हमें इधर इतना ज्यादा मजा आ रहा है, इतना ज्यादा मजा आ रहा है, हमारा उठने का मन नहीं कर रहा यहाँ से। डिंपल का मन है यहाँ पे मूंगफली लाए, पीनट्स, और यहाँ पे बैठ के सारे गप्पे मारे और मतलब कि एंजॉय करें, बिल्कुल मतलब मजा आ रहा है। नीचे बाहर तो गर्मी थी बड़ी खासी, और यहाँ पे मजा आ रहा है बैठने का, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सिर्फ हम सेपरेट बैठे हुए हैं, तो मजा यार। मैड ग्लाइड। तो वैसे अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं यार, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, सोनाली ने अपने घर भी जाना है, तो 4 तो ऑलरेडी बच गए हैं। तो यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा खासा था, जब हमने ऊपर चिल किया ना बैठ के, वो बेस्ट पार्ट था। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं आगे कहाँ जाना है। और यहाँ पे हमें लिफ्ट में डिंपल को यार लिफ्ट से बड़ा डरती है। नहीं कितना इज म्यूजिक चलो जी बाय बाय मैट ग्लैड आए हैं गंदा पिज्जा खाने हम जी। निकलते हैं यहाँ से, अब मैट ग्लैड से चलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज व्लॉग। तो यार उसके बाद जब हम घर पे आए, तो उसके बाद हमने रात को फंक्शन भी जाना था, तो हम थोड़ा सा जो है वो टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, हमने कहा कि चाय सुट्टा बार में आना, लेकिन चाय सुट्टा बार में कैसे आता है, ऑलरेडी अंधेरा पड़ रहा था, फ्रेंड को भी घर जाना था तो हमें भी घर आना था, तो इसलिए हम घर आ गए, उसके बाद सब कुछ हो गया। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ध्यान। जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम।